हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज की वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं इंडियन ट्रेन सिमुलेटर। बहुत अरसों बाद में मैं खेलने जा रहा हूँ इंडियन ट्रेन सिमुलेटर। तो गाइस अभी शुरू करते हैं, और ये इस सीरीज का पार्ट फोर है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था गाइस। तो अभी हम खेलने जा रहे हैं इसमें कश्मीर फाइल्स या डेट्स, पता नहीं क्या, मेरे को समझ नहीं आता। तो पिछली वीडियो में हमने किया था टूरिस्ट इन कश्मीर, हिमालयन बाइक ट्रांसपोर्ट, और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सुपर ओवर अभी। तो गाइस अभी शुरू करते हैं, इसमें ऐड भी आ गया था। तो गाइस ये हमने भी शुरू कर दिया, और जब तक ये आ रहा है गाइस तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ मैं रोज़ लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, फ्री है, पैसा तो लग नहीं रहा है आपका, हमारा भला होगा। लेकिन तो हमारे इधर आ चुका है, तो भी हमको जाना है क्रिकेट बॉल फैक्ट्री। हाँ, ड्रॉप वुड एट द बैट फैक्ट्री। अच्छा, हमको बैट की फैक्ट्री में ये सब वुड लेके जाना है, उधर बैट बनने लगता है ये सब लकड़ियों के। तो भाई ये स्टेशन तो भाई क्या खतरनाक है, लगता है इधर सिर्फ मालगाड़ी आती है, जो वो गुड्स ट्रेन होती है सिर्फ वही इधर आती है, बाकी सब इधर लगता नहीं आती है। तो गाइस जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है गाइस, उसको अवॉइड करना, क्योंकि बाहर बच्चे चिल्ला रहे हो, और ऊपर से मेरा माइक भी ख़राब हो गया है। तो आजकल बिना माइक्स की वीडियो आ रही है। अभी हम जाने वाले हैं क्रिकेट बॉल फैक्ट्री, जो कि ज़्यादा भी दूर नहीं है, इधर ही है। Cricket bat factory today. Oh wow, who do you think is coming? I think it is Virat Kohli. I hope it's Dala Dhoni. Oh my god, Kartik bhai, I am so excited. तो गाइस अभी इन लोग बात कर रहे थे कि गुजर जाने के बाद हमको कोहली मिलेगा या विराट कोहली मिलेगा या एमएस धोनी मिलेंगे, वो तो जाके मालूम पड़ेगा। तो अभी चलो हम चलते, वैसे भी इतना दूर नहीं है, इतनों से इतना सा करने के लिए ट्रक करवा लेते यार, बेफालतू का ट्रेन भाई। ज़्यादा दूर भी नहीं है ये, कुछ ही मीटर, 600 मीटर दूर था, ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं क्रिकेट बॉल फैक्ट्री में। देखो गाइस, इधर मेरे हाथ से सब कंट्रोल निकल गया, और ये अपने आप ब्रेक लग रहा है। हाँ, रुक गया। भाई 30 की स्पीड है और 1 मिनट। अरे भाई थोड़ा सा आगे जाके रुका है, लेकिन बाकी सही है, चलेगा उतना नहीं। इधर गाइस बैट बना हुआ है, इधर क्रिकेट का पिच कौन बनाता है यार, ये फैक्ट्री क्या है। तो गाइस इधर सामने हम खड़े, यू विल नेवर गेस हु इज हियर। सो इट्स नॉट धोनी और कोहली देन, हु इज इट? सदागोपिन रमेश। हु? फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सदागोपिन रमेश, ही हैज कम टू प्लेस एओडन फॉर क्रिकेट बैट्स फॉर हिज स्पोर्टिंग स्टार। कम लेट्स गो गेट हिज ऑटोग्राफ। नो भाई, यू गो, I don't even know who that is. Ari calm, no? Don't be shy. Sir, hello. My friend Kartik says if you give him a chance, he can clean bold you. Your friend said what? Khalid, sir, please don't mind him. He's just joking. I never said that. I don't even know who you are. Ow. Look, sir, he's saying he doesn't even know who you are. You don't know who I am? I will show you who I am. Ball me an over. I will hit all balls for 6. If you manage to take my wicket like you say, I will give you this cricket bat. Do you accept my challenge? So guys, abhi hum aa chuke
ये दोनों की बात गलत थी। इधर उन लोग को लग रहा था विराट कोहली या MS धोनी होगा, लेकिन यहाँ पे तो दूसरे इंडियन क्रिकेटर सदागोपन रमेश जी है, और इन्होंने हमको चैलेंज दिया है कि वो हर बॉल पे सिक्स मारेंगे। अगर नहीं मार पाए तो वो हमें एक बैट देंगे। वो अपना भाई दो बॉल पे तो सिक्स मार दिया उन्होंने, अभी हम देखते भाई। यार ये तो बड़ा ख़तरनाक प्लेयर है यार, मैं तो उसको हल्के में ले रहा था। ये तो बहुत पावरफुल है, सिक्स पे सिक्स मारे जा रहे ये तो भाई सिक्स सिक्स सिक्स, तीन बॉल पे तीन छक्के मारे बंदे ने, 18 रन हो गया है। तो वह हम मारते जी पे भाई फिर से सिक्स। अरे भाई और अगले दो बॉल में मैं नहीं मारने दूंगा उन्हें सिक्स, नो बॉल या नहीं मार पाए, नो रन। भाई थोड़ा ओह भाई या आउट कर दिया हमने गाइस उनको, सदागोपन रमेश जी को हमने आउट कर दिए गाइस। भाई तुम्हारा भाई कितना प्रो प्लेयर है क्रिकेट में, देखे बैट ले ली भाई, प्यूमा की बैट है। तो हमारे ये लेवल इधर ही ख़त्म होता है भाई। भाई लेकिन मेरे को लग रहा था वो सदागोपन रमेश इतना पावरफुल नहीं है, तो भाई बहुत तगड़ा खिलाड़ी है। तो भी हम अगला मिशन चालू करते जो कि है सीमेंट ट्रांसपोर्ट। तो इधर आ चुका है हमारी ट्रेन, अभी हम इसमें हमें लोड कराना है क्या? ये बंदा कह रहा है कि हमें जो ये ट्रेन से ये सब खाली है, दो कोच इसके खाली है, हमें ये दोनों कोचों को भरना है, और भरने के लिए हमको ट्रेन को इसके मतलब एकदम जगह में लाना पड़ेगा। ये जो ग्रीन बॉक्स जो आप देख रहे हैं ना, उधर हमारे को कोचेस लाने, तो चलिए लाते। और अरे भाई भाई थोड़ा सा रह गया था, हाँ भाई एग्जैक्ट रुको भाई, मैंने अभी इसके डब्बे को खोल लेते। ऐसा माल लोड होता है कि भाई पहली बार देख रहा हूँ मैं तो, वरना ऐसा सीमेंट लोड हो रहा है भाई। तो गाइस इधर एक कोच में सामान लोड हो चुका है, अभी हम दूसरे कोच को भी उधर लेके आते। एक देखिए इधर साइड में आप देख सकते हो, एक कोच इधर भर चुका है और दूसरा कोच अभी इधर लग चुका है सीमेंट भरने के लिए, तो भरते हैं इसमें भी। गाइस इधर हमारी कॉल दोनों कोचेस भर गए, तो अभी हमको लीव का नोटिफिकेशन मतलब लीव होने के लिए बोल दिया गया कि निकल जाओ इधर से भी, तो हॉर्न मार के निकल जाते। तो हमारे को हम इधर से निकल जाते एक प्यारे से हॉर्न के साथ। तो It's a fantastic project on the river Salem. We built another dam a while back on China. How much farther do we need to go? Some more. There will be a change in altitude. It's a special track we laid ourselves for transport and material to site. You will be coming back soon for another few trips, I am sure. Especially once we commence the powerhouse work. We are transporting a huge turbine part after a few months. We are still trying to figure out the logistics.
It's a nightmare situation. Let's see what solution we come up with. तो गाइस अभी मेरे को समझ में आ गया कि ये सीमेंट जो है इसको हमें लेके जाना है एक डैम में, उधर एक डैम का प्रोजेक्ट बन रहा है झीलम रिवर के उधर, तो उधर हमें लेके जाना है ये सीमेंट, क्योंकि उधर काम चल रहा है तो उधर सीमेंट भी पहुंचाना पड़ेगा। तो गाइज हम इधर पहुंच चुके हैं डैम में, झीलम रिवर के डैम में। भाई बहुत फैंटास्टिक प्रोजेक्ट होने वाला है ऐसा वो कंस्ट्रक्शन वर्कर ने कहा है। तो अभी आ चुका है भाई, यार कुछ दिखता नहीं है, सब व्यू क्यों दिलाते हो यार, भाई कुछ नहीं दिखता यार, ऐसे समझ में नहीं आ रहा कितना दूर है कैसे। साइड में ऐसा मीटर लिखा हुआ आ रहा है लेकिन उसमें समझ नहीं आता सही से, देखने में ही सब सही से समझ में आता है। और यार तो बैकग्राउंड में इतना खतरनाक म्यूजिक बज रहा है ना भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है बाकी अपने आप ही रुक गया बेफालतू की मैं मेहनत कर रहा था यार, अपने आप ही इसको रुकना था। तो ठीक भाई इधर ब्रिज भी है और भाई हम पहुँचे नहीं क्या, अच्छा पहुँच गए अभी तक पहुँचे नहीं, मैं तो थ्रोटल ऊपर कर रहा था। तो ये वाला भी लेवल हमारा इधर कंप्लीट हो जाता है गाइस, तो अभी हम बैक कर लेते। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट कर देना, और अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। गुड बाय बाय।